हाँ, ये हम एक और नया फ्लावर बना रहे हैं। इसको पहले हम पेंसिल के साथ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हम ड्रॉ कर कर भी वन स्ट्रोक से फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर लिया हमने ड्रॉ। अब हम लेंगे येलो और वाइट कलर, ठीक है। आप पिंक बनाना है तो वाइट पिंक ले लो, मैं येलो वाइट ले रही हूँ, ठीक है। 6 नंबर फ्लैट ब्रश है, उसी तरह से कलर लेंगे दोनों साइड। पहले हम सेंटर वाला बनाएंगे। अब सेंटर में येलो से इसको नीचे तक फिल कर देंगे पूरा, फिर इसको फिनिशिंग देंगे। जब हम ऐसे करते हैं तो नहीं, वो फिनिशिंग ख़राब हो जाती है, तो दोबारा उसके ऊपर टच देंगे तो फिनिशिंग आ जाएगी। अब साइड वाली पत्ती वाइट को अंदर रखते हुए येलो बाहर रखना है। बाहर सिर्फ येलो से फिल कर देंगे, अंदर वाली साइड सिर्फ वाइट रखेंगी। फिर दूसरी साइड ऊपर वाली पत्ती के साथ जोड़ते हुए उठाएंगे। अब नीचे वाली छोटी पत्ती, ठीक है। अब इसको हम ड्रायर के साथ सुखाएंगे, ठीक है। और फिर सेंटर पॉइंट बनाएंगे। अब हम लेंगे 3 नंबर फ्लैट ब्रश, आप 4 नंबर भी ले सकते हो अगर 3 नहीं है तो अब इस ये सेंटर वाली बनाएंगे। फिर सुखाएंगे क्योंकि इसके फिर सेंटर में हमने बनाना है। वही ब्रश है, ठीक है। फिर सुखाएंगे, जितना सुखा सुखा कर ये स्ट्रोक लगाते हैं उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आती है। अब नीचे से ऊपर को, ठीक है। अब ये बाहर वाले स्टॉक्स हम दोबारा रिपीट कर देंगे। जब हम इस पे डबल स्टॉक लगाते हैं ना सुखा कर, तो फ्लावर में और कलर्स में एक चमक सी आ जाती है, शाइनिंग सी आ जाती है जब दोबारा कोड करते हैं तो सूखने के बाद। अब इस नीचे अब ग्रीन डंडी सिंपल छोटी छोटी लीव्स सिंगल कलर के साथ, ओके। अब इसकी आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं हम, आउटलाइनिंग करने से और ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये 0 नंबर ब्रश के साथ वाइट कलर, ओके।